फतेहाबाद के रतिया रोड पर आज आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रधान लक्ष्य गर्ग सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। ये सभी कार्यकर्ता रतिया से एक टूर्नामेंट का उद्घाटन करके फतेहाबाद की ओर वापस आ रहे थे। आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान लक्ष्य गर्ग ने बताया कि वो रतिया से एक कार में सवार होकर फतेहाबाद की ओर आ रहे थे। फतेहाबाद से 3 किलोमीटर पहले पास से गुजर रही एक कार के द्वारा अचानक साइड न देने के चलते उनकी गाड़ी असंतुलित हो गई और सड़क के काफी नीचे पेड़ से जा टकराई, जिसके बाद गाड़ी पलट गई। उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना में उनके कार्यकर्ताओं को हल्की चोटें आई हैं और गाड़ी का काफी नुकसान हो गया है। दुर्घटना की सूचना पाकर फतेहाबाद नागरिक अस्पताल की एम्बुलेंस आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर अस्पताल पहुंचे और वहां उनका इलाज किया गया। रतिया से आ रहे थे, वहाँ टूर्नामेंट का कोई उद्घाटन था, साथ में एक मीटिंग थी रतिया की, तो हम 4 साथी थे। तो जैसे ही फतेहाबाद से 3-4 किलोमीटर पीछे कुलदीप पैलेस के पास एक गाड़ी साइड से ओवरटेक कर रही थी, वो गाड़ी के अंदर लग गई और उसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी साइड में जो थोड़ी नीची जगह दिखाई सी थी वहाँ जा पड़ी और पेड़ था, पेड़ से लग के पलट गई। तो कितने घायल हुए हैं साथी? थोड़ी थोड़ी चोटें आई है, गाड़ी का ज़्यादा बुरा हाल है, साथी बच गए सारे। थोड़ी थोड़ी चोट साथियों के आई है, किसी की कमर में दर्द लगी है चोट, किसी के माथे में लगी है। सुरेश था, बलराम थे। और तो पुलिस को सूचना दी गई है सर? पुलिस तो एम्बुलेंस लेके आई थी हमें यहाँ पे, तो पुलिस वहीं पे थी। अच्छा, पुलिस भी पहुँच गई थी। क्या पद, क्या नाम है जी अपना? हाँ जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम लक्ष्य है। तो क्या पद है सर? मैं जिला अध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी में, फतेहाबाद जिला।